हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को गाड़ी के टायर चेंज करना सिखाऊंगा। हाउ टू चेंज योर विंटर टायर्स, अपनी गाड़ी के विंटर टायर्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली घर में हमारे पास सारे टूल्स तो होते हैं, लाइक जो गाड़ी के साथ आते हैं, जैक हो गया और व्हील ओपनर हो गया, और ये सब चीज़ें अगर हमारे पास हैं और तो हम अपनी गाड़ी के टायर खुद चेंज कर सकते हैं। अभी मेरी गाड़ी में विंटर टायर्स लगे, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी की जो विंटर टायर्स हैं, मैं उनको चेंज करके उसमें नॉर्मल टायर्स लगाऊंगा और सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। बेसिकली हमें गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए हमें एक जैक की ज़रूरत होती है, जो कि गाड़ी के साथ आता है, और दूसरा ये व्हील ओपनर। तो अगर ये आपके पास है तो आप इससे इसके सारे बोल्ट्स इसके ओपन कर सकते हैं, और गाड़ी को जैक करना है तो हम इसकी मदद से गाड़ी को जैक ऊपर कर सकते हैं। मगर ये ऑप्शन वन है। अगर आपके पास इससे अच्छे ज़्यादा टूल्स हैं तो आपका वर्क और प्रोसेस और तेज़ हो सकता है। जैसे कि मेरे पास ये ड्रिल है, इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है और टायर के बोल्ट वगैरह बहुत जल्दी खुल जाएंगे और ईजी हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, जो जैक के अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा जैक है तो इससे भी आपका काम बहुत तेज़ हो जाएगा। इससे हम बहुत अच्छे से अपनी गाड़ी को लिफ्ट करके और इसके टायर चेंज कर सकेंगे। हम पहले मेक श्योर करेंगे कि हम अपनी गाड़ी पार्किंग में हैं, इसका न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, पार्किंग में होना चाहिए, और हैंड ब्रेक लगाना चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट थिंग कि हमारे हाथ में ग्लव्स होने चाहिए। मुझे ये टायर चेंज करना है इन टायर के साथ। ये मेरे विंटर टायर्स हैं जो गाड़ी में अभी तक लगे हुए हैं, और अब इसका टाइम आ गया कि मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस पूरे प्रोसेस को शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसको नहीं आता चेंज करना तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि वो अपने घर में विंटर टायर कैसे चेंज कर सकते हैं। वन मोर सेफ्टी टिप, अगर आपका ड्राइववे स्लोप में है, इंक्लाइन है थोड़ा सा, तो गाड़ी को स्ट्रीट खड़ा करके टायर चेंज ना करें, क्योंकि गाड़ी स्लिप हो सकती है। हमारा ड्राइववे थोड़ा सा इंक्लाइन है, वैसे तो इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है, बहुत नैरो सा है, मैं स्ट्रीट करके भी चेंज कर सकता हूँ, मगर इस तरह की गाड़ी स्लिप नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस सेफ्टी टिप। थोड़ा सा जैक ऊपर करके, अभी भी टायर ज़मीन पे लगा हुआ है, मैं इसके बोल्ट लूज़ कर लूँगा, खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लूज़ कर लूँगा। अगेन सेफ्टी, टायर रिमूव करने से पहले एक एक्स्ट्रा टायर जो है वो नीचे लगा दें, इन केस अगर जैक टूटता है या स्लिप होता है तो गाड़ी ज़मीन पे नहीं गिरेगी, आके टायर से रुक जाएगी, डैमेज मिनिमम होगा। मगर अगर आपका जैक टूट जाता है और आपने व्हील निकाला हुआ है, यू कांट इमेजिन द डैमेज, और ये सेफ भी नहीं है, आपको भी कुछ हो सकता है। एक और टिप, मैंने टायरों को स्वैप किया है, लाइक विंटर टायर्स के साथ नॉर्मल टायर्स नहीं, जो नॉर्मल टायर्स से जो लास्ट टाइम फ्रंट राइट पे था, सॉरी जो फ्रंट लेफ्ट पे था, अब मैंने इसको रियर राइट पे लगाया है, तो ऑपोजिट क्रॉस में मैंने इनको स्विच कर दिया। ये टायर की लाइफ के लिए अच्छा होता है, और जैक को नीचे उतारने से पहले हमेशा याद रखो, पहले टायर निकाल लो, नीचे जो सेफ्टी के लिए टायर लगाया है ना वो निकाल लो, ये नहीं कि जैक निकाल दिया गाड़ी टायर के ऊपर आ गई, टायर फट जाएगा।
अगेन टू मेक श्योर मैं इसको और एक्स्ट्रा टाइट कर रहा हूँ इससे। ये वाला रियर लेफ्ट था, अब ये फ्रंट राइट हो गया।